हेलो गाइस, मैं उत्कर्ष एफएफ एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो अभी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी जहां पर सभी लोग ग्रैंड मास्टर 24 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके लिए ना वो एक सीक्रेट स्ट्रेटजी का यूज करते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी स्ट्रेटजी को रिवील करके आपको बताने वाला हूं, जिससे आप भी बहुत ही जल्दी ग्रैंड मास्टर लगा सकते हैं। बट इस सीक्रेट स्ट्रेटजी को बताने से पहले यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखो यार, अभी हम 100K के काफी ज्यादा क्लोज है, मतलब 30,000 सब्सक्राइबर ही बच रहे हैं। तो अगर आप लोग एक सब्सक्राइब कर दोगे देन हम बहुत ही जल्दी 100K हिट भी कर सकते हैं। तो यार प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। तो अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलो भाई। ओके, तो इस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए ना सबसे पहले आपको एक स्क्वाड की जरूरत होगी। तो अगर आपके दोस्त वगैरह हैं देन आप उन्हें बुला सकते हो एंड उनके साथ स्क्वाड बना सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट में अपने यूआईडी छोड़ सकते हो एंड वहां से भी आप स्क्वाड बना सकते हो। अब स्क्वाड बनाने के बाद में आपको अपने टीममेट्स को रोल के अकॉर्डिंग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सेट करने को बोलना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने अपने स्क्वाड बना लिया है एंड सभी टीममेट्स को मैंने उनके अकॉर्डिंग रोल दे दिया है एंड उन रोल के अकॉर्डिंग उन्होंने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी लगा लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं रोल के बारे में। तो सबसे पहले आपके पास एक रशर होना चाहिए। रशर के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में एक्टिव स्किल में जाइन कैरेक्टर है, क्योंकि रश करते टाइम ज्यादा एचपी की जरूरत पड़ती है। एंड उसी के साथ में आपको एक सपोर्टर रखना होगा जो कि क्लू यूज कर सकता है एंड आपके साथ में रह सकता है, जिससे आपको एनिमी की लोकेशन भी पता लग जाएगी एंड आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। तीसरा रोल आपको एक नेडर को देना होगा जो कि ग्रेनेड करेगा। अब ग्रेनेड करने के लिए वो एक्टिव स्किल में तचुए का यूज करेगा, जिससे होगा क्या कि जब भी आप कहीं फाइट करोगे तो ऐसे में तचुए का यूज करके जल्दी से फाइट के पास पहुंचेगा और फिर ग्रेनेड कर देगा, जिससे कि काफी एनिमी डैमेज हो जाएंगे और कुछ तो भी हो जाएंगे। एंड फिर चौथा रोल आपको एक सर्वाइवल बंदे को देना है। सर्वाइवल बंदे का काम ये रहेगा कि वो थीवा वगैरह का यूज करेगा दिमित्री का, जिससे कि वो आपको जल्दी जल्दी रिवाइव करेगा। और लोडआउट अपने अकॉर्डिंग सेट करने के बाद आपको मैच को स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग गन खरीद लेते हैं। जो ग्रेनेड करता है वो ग्रेनेड खरीद लेते हैं। सामने के जो अपोनेंट वाले एनिमी आए होते हैं वो कुछ ज्यादा ही अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा रैंक भी काफी ज्यादा हाई है सीएस रैंक में, इसीलिए ऐसे अपोनेंट हमें हर मैच में मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैच स्टार्ट हो जाए ना, आप एंड आपके सारे टीममेट्स को एक साइड से ही फाइट करना है किसी भी एनिमी से। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, पहला राउंड स्टार्ट होता है, मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ गया हूँ एंड मेरे साथ एक और टीममेट लेफ्ट साइड में आ गया है एंड मेरे बाकी दो टीममेट राइट साइड में चले गए हैं। अब राइट साइड में क्या होता है कि अपोनेंट एनिमी एक साथ ही रश कर देती है राइट साइड पे, जिससे होता यह है कि हमारा पहला टीममेट नॉक हो जाता है एंड उसके बाद जो हमारा नेडर होता है वो तीन बंदों को नॉक कर देता है। बट मैं यहाँ पर दूर होता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पहुंचने तक वो सारे रिवाइव हो जाते हैं एंड इसकी वजह से हम लोग ये वाला राउंड हार जाते हैं। So, आपको पहले राउंड में ही पता चल गया होगा कि अगर एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा। Now, अब यहाँ पर जैसे ही ये वाला राउंड स्टार्ट होता है ना, हम लोग यहाँ पर इस राउंड को जीतने के लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी सिंपल होती है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फ्लैंक करूंगा मैं, ठीक है, एंड जो मेरे तीन टीममेट्स हैं वो एक साथ ही रहेंगे। अब इस लोकेशन पे क्या होता है कि एनिमी बहुत ही इजिली हमें देख पाता है, जिसकी वजह से मैंने तीनों टीममेट्स को एक साथ रखा है। इससे होगा ये कि एनिमी को लगेगा कि हम चारों बंदे एक साथ हैं एंड मैं यहाँ पे फ्लैंक करके सीधे एनिमी की साइड पहुंच जाऊंगा एंड फिर मेरे सारे टीममेट्स मेरे को कवर देंगे और मैं एनिमी को जल्दी से शॉर्ट रेंज में फिनिश कर दे जाऊंगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ, तभी हमारे दो टीममेट नॉक हो जाते हैं एंड फिर हमें एक एनिमी दिखता है, जिसे मैं यहाँ पर जाइन कैरेक्टर का यूज करके रश करता हूँ एंड उसे बहुत इजीली मार देता हूँ। अब इस एनिमी को मारने के बाद फटाफट से इसे क्लियर ले लेता हूँ। क्लियर लेने के बाद इसका जो गन होता है वो मैं उठा के अपने टीममेट को कवर देना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक एनिमी को नॉक करता हूँ, उसके बाद एक एनिमी को काफी डैमेज देके फिर से एक और एनिमी को नॉक कर देता हूँ। इस एनिमी को नॉक करने के बाद यहाँ पर लास्ट वाला जो एनिमी होता है वो खुद को ही एलिमिनेट कर लेता है। अब यहाँ पर आप लोग के दिमाग में एक चीज तो आई होगी कि भाई स्ट्रेटजी वर्क नहीं की, बट मैं बोलूंगा कि वर्क की। अब ये चीज मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि कवर मैंने अपने टीममेट्स को दिया या टीममेट्स मेरे को देते, दोनों तरफ से हमें ये राउंड को ही जीतना था, जो कि हम जीत भी गए। नाउ थर्ड राउंड को भी जीतने के लिए हम लोग यही स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर राइट साइड से फ्लैंक करता हूँ एंड जो मेरे सारे टीममेट्स होते हैं वो लेफ्ट साइड से घूम जाते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो रोल डिसाइड करने की वजह से हमारा नेडर एक एनिमी को नॉक कर देता है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं रश करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि क्लू की वजह से मेरे को एनिमी की लोकेशन दिख ही गई है, तो यहाँ पर एक और एनिमी को मैं यहाँ पर नॉक करता हूँ एंड साइड बाय साइड मेरे टीममेट्स भी एक को नॉक कर देते हैं। लास्ट वाला एनिमी हमारे ऊपर रश कर देता है। अब इस एनिमी को काफी डैमेज करने के बाद मैं नॉक हो जाता हूँ, बट यहाँ पर मेरे सारे टीममेट्स रोटेट करके मेरे को यहाँ पर कवर देते हैं एंड इस तरीके से हम लोग ये वाले राउंड को बहुत ही जल्दी बहुत ही इजिली विन कर लेते हैं। सो आप सभी देख सकते हो एक टीम बना के रोल डिसाइड करने के बाद कैसा गेम प्ले होता है। यहाँ पर हम लगातार दो राउंड जीत गए हैं, जबकि हम पहला राउंड हार गए थे। नाउ अब तीसरे राउंड को जीतने के लिए जो हमारे
हमारी स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि हम एक साथ ही रहेंगे एंड अगर हमें लेफ्ट साइड पे कोई भी एनिमी दिखता है तो हम सबसे पहले ग्रेनेड करेंगे एंड इन एनिमीज को डैमेज करके फटाक से रस कर देंगे। ग्रेनेड करता ही एनिमी दिमित्री लगा लेता है और एक एनिमी मेरे टीममेट को नॉक करता है जिसे मैं यहाँ पर नॉक कर देता हूँ एंड यहाँ पर एक और एनिमी होता है जहाँ पे मैं वॉल लगा के सबसे पहले अपने टीममेट्स को यहाँ पर रिवाइव करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड देखो साथ में रहने का फायदा यही होता है जिससे आप अपने टीममेट्स को भी जल्दी रिवाइव कर सकते हो फाइट्स के बीच में। अब यहाँ पर मैं रिवाइव करने के बाद इन एनिमीज को डैमेज करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं जाइन कैरेक्टर का भी यूज करने लग गया हूँ क्योंकि मैं अब रश करने वाला हूँ एनिमी पे। यहाँ पर दो एनिमी खत्म हो चुके हैं, सामने वाले एनिमी को भी यहाँ पर नॉक कर दिया हूँ, लास्ट वाला एनिमी बच रहा होता है। अभी इस एनिमी के ऊपर मैं और मेरा एक सपोर्टर बंदा हम दोनों एक साथ ही रश कर देते हैं जहाँ पर मैं तो नॉक हो जाता हूँ बट मेरा जो सपोर्टर वाला बंदा रहता है जो मेरे साथ रश करता है वो यहाँ पर लास्ट वाले एनिमी को फिनिश कर देता है। एंड इसी तरीके से मैं यहाँ पर बच भी जाता हूँ, एनिमी भी फिनिश हो जाता है एंड हम लोग ये राउंड को इजिली जीत जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जहाँ पे आपको बहुत सारे गेम्स देखने को मिल जाएंगे। अब इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप इनवाइट वाले सेक्शन से अपने फ्रेंड को इनवाइट करके कॉइन अर्न कर सकते हो। उसके बाद वीआईपी सेक्शन में आप कॉइन टॉप अप करके अपने वीआईपी लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। फिर एक्टिविटी सेक्शन में आपको डेली फर्स्ट डिपॉजिट बोनस, शेयर कैश बोनस, रेफरल रिवॉर्ड, लॉस कंपनसेशन, फर्स्ट डिपॉजिट बोनस, वीआईपी प्रमोशनल रिवॉर्ड और टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फिर विड्रॉ वाले सेक्शन पे आके आप अपने कलेक्टेड कॉइन्स को विड्रॉ कर सकते हो जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब अपने कॉइन्स को विड्रॉ करने के बाद आप लोग टॉपअप वाले सेक्शन में आके अपने कॉइन्स को टॉपअप कर सकते हो। टॉपअप करने के साथ ही आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे 200% बोनस, सेकंड डिपॉजिट पे 150% बोनस एंड थर्ड डिपॉजिट पे 175% का बोनस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने कॉइन्स को इजिली टॉपअप करके अपने अकाउंट में एड कर सकते हो। एंड हाँ, याद से अपने दोस्तों को इनवाइट वाले सेक्शन से इनवाइट जरूर से कर लेना जिससे आपको बहुत सारे कॉइन्स फ्री में मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक गेम खेल के दिखा देता हूँ जिसका नाम है ड्रैगन वर्सेस टाइगर एंड इस गेम में आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि ड्रैगन जीतेगा या फिर टाइगर। यहाँ पर मैं अपने 3000 कॉइन ड्रैगन पे लगा देता हूँ और यहाँ पर जैसे ही हमारा ड्रैगन जीत जाता है हमारा कॉइन जस्ट डबल हो जाता है। और अब मैं यहाँ पर वापस से 3000 कॉइन लगाने वाला हूँ टाइगर के ऊपर एंड जैसे ही हमारा टाइगर यहाँ पर जीत जाता है हमारे कॉइन डबल हो जाते हैं। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ओके, तो पर अभी 3-1 का सिचुएशन हो चुका है ना। अब मैं आपको अपनी पर्सनल सीक्रेट ट्रिक बताता हूँ जो कि मैं बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ। देखो, जब भी मेरे पास राउंड्स का लीड हो जाता है लाइक 3-0 या 3-1 तो मैं ऐसे में रश कर देता हूँ लास्ट राउंड को जीतने के लिए। अब रश करने से फायदा क्या होता है पता है? 3-1 या 3-0 की सिचुएशन में ना एनिमी होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ही देख लो, ये वाला एनिमी होल्ड कर रहा होता है, ठीक है, बट मैं यहाँ पर अचानक से आ जाता हूँ जिसकी वजह से इसे फाइट करना पड़ता है और मैं उसे बहुत ही इजिली मार देता हूँ। एंड यहाँ पर ऊपर वाले एनिमी को देख लो, वो होल्ड कर रहा होता है बट यहाँ पर हम लोग रश कर देते हैं जिसकी वजह से खुद को ही पैक कर लेता है। तो मैं यहाँ ग्रेनेड डाल के बाकी एनिमी को ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ एंड तभी वो एनिमी भी रश कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इन एनिमीज को डैमेज करना शुरू कर देता हूँ जहाँ पे मैं इस एनिमी को नॉक करता हूँ, बट यहाँ पर एनिमी दिमित्री लगा लेता है तो ये एनिमी रिवाइव होता है, बट मैं यहाँ पर फिर से इसे नॉक कर देता हूँ एंड मेरे बाकी के टीममेट्स भी एनिमी को फिनिश कर देते हैं एंड हम लोग ये वाला मैच बहुत ही इजीली भूया कर लेते हैं जस्ट एक नॉर्मल सी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए। और इस मैच में हमारा स्टार भी प्लस हो जाता है, बट कभी कभार कुछ ऐसे एनिमीज आ जाते हैं अपोनेंट में जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं बट वो कैंप बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में उन एनिमीज से कैसे फाइट करें या फिर कैसे राउंड जीतें, क्योंकि भाई उनसे राउंड जीतना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मेरे को उसके बारे में भी एक अच्छी स्ट्रेटजी पता है, तो चलो बता देता हूँ। नाउ अब इस वाले राउंड में देखो क्या होता है, यहाँ पर 2-1 का सिचुएशन हो जाता है। अब 2-1 होते ही ओपोनेंट एनिमी बहुत ही तगड़े तरीके से कैंप करने लग जाती है। भाई मैं यहाँ पर ड्रोन छोड़ता हूँ एंड ड्रोन से हमें पता लगता है कि डबल डोर के ऊपर ही सारे एनिमी होल्ड करके रखे हैं। अब यहाँ पर सारे एनिमी अगर डबल डोर पे हैं तो डबल डोर पे रश करना बेवकूफी होगा जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर रश बिल्कुल भी नहीं करते, बस ग्रेनेड वगैरह करते रहते हैं जो कि हमारा नेडर करता रहता है, ठीक है। अब क्योंकि सारे एनिमी ऊपर होते हैं तो यहाँ पर मैं चेक करने के लिए जस्ट एक बार घर के आसपास घूमना स्टार्ट कर देता हूँ जिससे कि मैं किसी एनिमी को तो स्पॉट कर पाऊँ या फिर डैमेज कर पाऊँ। इसीलिए मैं यहाँ पर आता हूँ एनिमी को ढूंढने, बट सभी के सभी ऊपर में ही रहते हैं, ये चीज एकदम 100% कंफर्म हो गई थी। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ होल्ड करेंगे एंड आपको भी ऐसा ही करना है। अगर कोई एनिमी कुछ ज्यादा ही कैंप कर रहे हैं तो आपको भी होल्ड करके रखना है, एकदम होल्ड करके रखना है एंड ट्राई करना कि आप सारे टीममेट्स आसपास ही हो। और अभी मैं आपको दिखाने के लिए नजारा ऊपर का एक बार रश करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर वॉल लगा लेता हूँ सेफ्टी के लिए एंड यहाँ पर देखो सब छुप के बैठे होते हैं एंड जैसे ही मैं ऊपर में आता हूँ भाई सभी के सभी एक साथ फायर देने लगते हैं। तो समझ गए ना, मतलब अगर कोई एनिमी कैंप कर रहा है किसी भी घर पे या किसी भी लोकेशन पे तो वहाँ पे गलती से भी मत जाना एंड फिर आपको ट्राई करना है कि आप जल्दी से जल्दी जोन कैप्चर कर लो जिधर भी जोन बनाओ, क्योंकि अगर आप जोन कैप्चर कर लिए एंड सामने वाला एनिमी कैंप कर रहा है तो ऐसे में आप लोग राउंड जीत जाओगे, समझ लो, क्योंकि अब उन्हें जोन में आना होगा एंड ऐसे में आप लोग उसे फायर
देके नॉक कर सकते हो, नहीं तो मेरी तरह घर के अंदर पैक कर सकते हो। एंड इस तरीके से हम लोग ये राउंड को बहुत इजीली जीत जाते हैं कैंपर्स के सामने। अब यहाँ पर 3-1 का सिचुएशन होने के बाद ये लोग एनिमी फिर से कैंप करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्रोन की वजह से हमें एनिमी की लोकेशन पता लग जाती है। अब यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि भाई 3-0 या 3-1 का सिचुएशन हो तो फटाफट से एनिमी के ऊपर रश कर देना, बट आपको ऐसा यहाँ पर नहीं करना है। अब यहाँ पर इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा ओपन है, तो कोई भी एनिमी अगर हल्का सा भी फ्लैंक करेगा आप उस एनिमी को विजिबल हो जाओगे एंड बहुत ईजिली वो एनिमी आपको मार सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रश नहीं करते हैं। तो अब इन कैंपर्स को हराने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर ओपन साइड में आ जाना होता है जहां पर हम ओपन एरिया में एनिमी को स्पॉट कर सके, क्योंकि हमें कोई एनिमी स्पॉट नहीं हो रहा था ड्रोन के अलावा। तो यहां पर हम लोग इस साइड पे आ जाते हैं, मेरे सारे टीममेट को मैं बुला भी लेता हूं एंड सामने की साइड में फिर हमें एनिमी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही हमें एनिमी दिखना स्टार्ट होते हैं उनमें से एक एनिमी यहां पर घर के अंदर जा रहा होता है, ये देखो। तो यहां पर मैं अपने टीममेट को बोलता हूं कि भाई ग्रेनेड कर दो। यहां पर हमारा टीममेट जैसे ही ग्रेनेड करता है भाई 3-3 डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि क्लू से हमें एनिमी की लोकेशन भी दिखी थी एंड मैंने सामने एक एनिमी को भी देख लिया था। एंड फिर फाइनली मैं यहां पर रश कर देता हूँ साइन कैरेक्टर का यूज करके एंड यहाँ पर एक एनिमी दिखता है जिसे मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। लास्ट वाला एनिमी मुझे यहाँ पर दिखता है जिसे मैं बहुत ही इजीली मार देता हूँ एंड हम लोग अगेन ये अच्छे वाले अपोनेंट को हरा के फिर से बुया करते हैं और फिर इस मैच में भी हम लोग प्लस निकाल लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पर हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करना क्योंकि हम 100K के काफी ज्यादा क्लोज हैं। एंड हाँ, अगर आप रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुशिंग करते हो सीएस रैंक में, देन आपके लिए सामने वाले वीडियो बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है। तो चलो उस वीडियो में मिलता हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।